दर्पण YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक परिचर्चा में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सिरसा के वार्ड नंबर 3 से पार्षद सुनील बहल। आइए उनसे कुछ बात करें। सबसे पहले बहल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। अभी चर्चा शहर में जो लेटेस्ट चल रही है वो है चेयरमैन को पद से हटाने की। बीजेपी के 15 पार्षद हैं, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो मतदान हुआ उसमें 22 पार्षदों ने उनके खिलाफ मतदान किया, जिसमें बीजेपी के पार्षद भी हैं और आप भी थे। हाँ जी। तो आप लोगों ने, बीजेपी के जो खासकर पार्षद हैं, उन्होंने शीला शैगल के खिलाफ जाके मतदान क्यों किया? असल में क्या है कि जब नगर परिषद अध्यक्षा के तौर पर शीला शैगल जी इस चेयरमैन की पोस्ट पर आए थे, तब नो डाउट आज वो दो तीन चार टर्म से उनका परिवार एमसी के नाते, नगर पार्षद के नाते जीतते आए हैं, बनते आए हैं। एज ए नगर पार्षद वो सारा परिवार बहुत बेस्ट अपना चल रहे हैं और बहुत ही नाइस नेचर लोग हैं। लेकिन जो एक मेरे आईक्यू लेवल से, मेरे जो खुद की सोच के हिसाब से बताऊंगा आपको कि एज ए जो एक चेयरमैन की जो पोस्ट होती है, जो ये पद है, इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत आवश्यक होती है। और मेरे आईक्यू लेवल से मैंने ये महसूस किया कि उनके अंदर ये जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो नहीं थी। और जब हम पार्षद 15 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और हमारे को 5-6-7 अन्य पार्षदों का भी समर्थन था, हम हाउस में लगभग 20-21-22 पार्षद हमेशा पार्टी के श्रीमती शीला सहगल जी के साथ होते थे। और अगर उनमें वो लीडरशिप कोई क्वालिटी होती तो आज वो सारे उनके साथ जुड़े हुए होते। धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी पार्षद कोई छोटे मोटे काम होते हैं, कोई एज ए नगर परिषद के अध्यक्ष उनको कोई नगर पार्षद अपना काम करता है तो वो काम होते नहीं थे, मतलब वो खुद काम करने की बजाय किसी और पे डिपेंड थे। वो हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार से कोई काम उनको नगर पार्षद आते थे, उनका खुद का निर्णय नगर परिषद अध्यक्ष का नहीं होता था। वो अपना हर एक कोई भी निर्णय लेना होता था वो अन्य किसी नेता के ऊपर डिपेंड होते थे। जो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान हुआ उसके एक दिन पहले आपके भाजपा प्रभारी सिरसा जिले के अपने भाटिया जी आए थे यहाँ पर, और आपके सीनियर लीडर ने सभी ने आपकी पार्षद के साथ मीटिंग भी करी। हाँ जी। और उसमें शायद आपको आप प्रधान के पक्ष में ही कुछ मतदान के लिए कहा होगा। हाँ जी। इसके बावजूद भी पार्टी लाइन से हटकर के आपने मतदान क्यों किया? एक्चुअली क्या है जी कि तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। ये जो मीटिंग माननीय प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया जी और माननीय श्री जगदीश चोपड़ा जी भी थे, माननीय राहुल सेठिया जी भी थे, और बड़े भाई हमारे मनीष सिंगला जी के समक्ष सभी नगर पार्षदों की रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी। तो वो 1 तारीख को तो अविश्वास प्रस्ताव की डेट रखी हुई थी और वो से कोई आप देखिए 30 जुलाई को उन्होंने ये सारा वहाँ पे मीटिंग करके सब पार्षदों को बोला कि आप अविश्वास प्रस्ताव में नहीं जाना। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, यानी सभी पार्षदों ने एक मत बना लिया था, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ही मतदान करना। हाँ जी, मतदान के खिलाफ करना। हाँ जी। 21 हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप देखें ये 1-1.5 महीने से प्रोसेस चल रहा था, तो ये मतलब बहुत देरी होने की वजह से हम सब आपस में कमिटेड थे, एक दूसरे के साथ जुबान से बंधे हुए थे, तो हमारा वापस आना उस मुश्किल था। अच्छा, अभी हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर श्री राहुल सेठिया जी हैं, उनका आरोप है कि जो बीजेपी के पास प्रधान के खिलाफ गए उनको बीजेपी के ही सीनियर लीडर, उन्हें नाम भी लिया, कि श्री जगदीश चोपड़ा जी ने बहकाया है, तो क्या इसकी कोई सच्चाई है? ये बहुत ही आप देखें इसके अंदर मैं उनके इस बयान की बहुत निंदा करता हूँ और उसकी एक वजह जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उस दिन जब मैंने अभी आपसे जिक्र किया 30 जुलाई को माननीय संजय भाटिया जी प्रदेश के जो महामंत्री हैं, माननीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, माननीय श्री राहुल सेठिया जी और वहाँ पर हमारे बड़े भाई मनीष सिंगला जी, उन सब के समक्ष सभी पार्षद मौजूद थे रेस्ट हाउस के अंदर 30 जुलाई की बात बता रहा हूँ आपको। और
पाँच छः घंटे हमारी वो मीटिंग चली। उस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकला, सब लीडर्स के सामने निष्कर्ष निकला, सभी पार्षदों ने अपना उनको बताया कि हमारा एक ही मत है, अगर तो श्रीमती शीला सहगल जी आज अपने पद से त्याग पत्र दे देती हैं तो हम अविश्वास प्रस्ताव 1 अगस्त को जो होना है वहां पर नहीं जाएंगे। और फिर उन सब की आंखों के सामने, उन सब की मौजूदगी में, जहां सेतिया जी भी बैठे थे, पूरा जोर लगाया, चोपड़ा जी ने भी, भाटिया जी ने भी, सेतिया जी ने भी, मनीष सिंगला जी ने भी, कि ये वहां पर फ्लोर टेस्ट भी ना जाए। लेकिन उन सब के सामने सभी पार्षदों ने एक निष्कर्ष जो निकला शाम को, यही निकला कि आज ही अगर आप इस्तीफा दिला देते हैं तो हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम तो जाएंगे। तो क्या इस्तीफा देने की बात हुई थी? इस्तीफा देने की बात जो हुई, जो माननीय प्रदेश महामंत्री जी ने रखी, और चोपड़ा जी भी थे, सेठिया जी, जैसे मैंने आपको बताया, वो सभी पार्षदों को मंजूर नहीं थी। वो क्या थी, वो कह रहे थे कि आप वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित ना करें, उसके 10 दिन बाद इस्तीफा दे जाएंगे। अगर वो 1 तारीख निकल जाती तो संविधान के अनुसार अगले 6 माह तक हम अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते थे। इस दृष्टि से सभी पार्षदों ने एकमत होके अपने पूरे बात रखी कि हम तो जाएंगे, अदरवाइज आप आज ही उनका इस्तीफा दिला। तो उसके ऊपर मैं ये माननीय हमारे वरिष्ठ नेता है माननीय राउत सेठिया जी के उस बयान के ऊपर ये उनको पूछना चाहूंगा, आपको भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर माननीय चोपड़ा जी का जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही हैं, बिल्कुल बेबुनियाद, आधारहीन, जिसके अंदर 1% भी सत्य नहीं है। अपने आप उन्होंने ऐसी बातें कही, मैं समझता हूँ ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, सब कुछ उनके सामने हुआ। और सब पार्षदों ने 31 जुलाई को भी हमारी मीटिंग हुई, सॉरी 30 जुलाई को थी, सब पार्षदों ने मिलकर उनको बोला कि हम तो अविश्वास प्रस्ताव में जाएंगे। तो चोपड़ा जी पर ऐसे आरोप जो वो लगा रहे हैं उसका क्या आधार है? अच्छा, कैसे लगा रही? कुछ एमसी जब चुनाव थे एमसी के, तब उनका आरोप था कि आपके ही पार्टी के कुछ लीडरों ने आपके भी खिलाफत की थी उस समय। हाँ जी, मैं आज आपने प्रश्न बिगड़ा किया, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारे तथाकथित वरिष्ठ नेता आज ये आरोप लगा रहे हैं माननीय चोपड़ा जी पर भी, जो ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं, चोपड़ा जी के लिए मैं बताना चाहूंगा, उन्हें किसी सर्टिफिकेट की किसी को देने की जरूरत नहीं है। माननीय चोपड़ा जी ने पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन। जब हमारा यहाँ पे पूरे हरियाणा प्रदेश में 1, 2, 3, 4 विधानसभा जीतते थे, तब से चोपड़ा जी लगे हुए हैं। और चोपड़ा जी के ऊपर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, बिल्कुल बेबुनियाद, आधारहीन आरोप लगाए। और जब हमारे चुनाव स्टार्ट हुए थे नगर पार्षद के, नगर 2016 सितंबर 25 सितंबर को थे, और हमारे इन तथाकथित लीडर जिन्होंने आज ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर मेरे सामने एक कैंडिडेट उतारा जो उनका बहुत चहेता था, उनके घर आना जाना था, उनके पुत्र का भी बहुत खास मित्र था, और रोज हमारे पूरी रिपोर्टिंग होती थी। मैंने मेरे जिलाध्यक्ष जी को भी बोला कि जी मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे चिन्ह पे आया हूँ और मैं यहाँ कैंडिडेट हूँ, मेरे सामने ये जो पर्सन चुनाव लड़ रहा है ये उनका मित्र है, उन्होंने खड़ा किया हुआ है, सबको पता था बात। उन्होंने भीतरघात का प्रयास पूरा किया है, पूरा उन्होंने पूरा भीतरघात का प्रयास, और सबको पता है। और एक वार्ड में नहीं, मेरे पूरे मेरे पास लिस्ट है, 5-6 वार्डों की मेरे पास एक एक बंदे की लिस्ट है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने हमारे बीजेपी के उम्मीदवारों पैरेलल खड़े किए इन्होंने आजाद, और उनकी सपोर्ट कर रहे थे, पूरी धन से सपोर्ट कर रहे थे, उनको गाड़ियां भी मुहैया करा रहे थे जी। और पूरा उन्होंने ऐसी सपोर्ट, आज कोई लीडर हमारे माननीय चोपड़ा जी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका जाते। बहन साहब, अभी प्रधान की कुर्सी चली गई, बीजेपी के 15 पार्षद हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब निकट भविष्य में दोबारा से बीजेपी का ही पार्षद है वो चेयरमैन बनेगी, या कोई और दूसरी पार्टी का बीच में कुछ हो सकता है? देखिए, ये भी एक प्रश्न जो है, बिल्कुल साफ तौर से इसका जो सच्चाई वाला उत्तर है मैं जरूर आपको बताऊंगा। नगर परिषद में जो हमारे बीजेपी के एट प्रेजेंट टाइम नगर पार्षद हैं, उन्हीं में से कोई भी नया प्रधान चुना जाएगा, ये भी हम सब में तय हो चुका है। तो अभी तक कोई नाम पे कोई तय हुआ किसको बनाएंगे? वो अभी आगे निकट भविष्य में जरूर सामने आएगा। वो हमने ये
आपस में तय कर रहे हैं। इतना तय है कि सिरसा नगर परिषद पे दोबारा से बीजेपी का पार्षद जो है वही चेयरमैन और किसी पार्टी को संभावना नहीं है। बिल्कुल हम सब में ये तय है और सब इसके लिए एकमत है और नगर परिषद अध्यक्ष नहीं जो भी होंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी से ही होगी। वैल साहब आप हमारे स्टूडियो में आएगा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद।